टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों ढेर सारे ट्विस्ट आ रहे हैं। सीरियल में अक्षरा अभिमन्यु के ट्रैक को खत्म करते हुए मेकर्स 20 साल का लीप लेकर आए थे, जिसके बाद से ही अभिरा और अरमान की कहानी दिख रही है। नए ट्रैक को दर्शकों ने काफी ट्रोल किया, जिस वजह से मेकर्स कहानी में एक के बाद एक ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं। अब हाल ही में सीरियल में रोहित के कार एक्सीडेंट का सीन दिखाया गया, ये रोल शिवम खजूरिया निभा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि शिवम ने रातों रात ये रिश्ता क्या कहलाता है को छोड़ दिया है। अब एक्टर ने इसकी सच्चाई बताई है। दरअसल शिवम खजूरिया ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से गायब होने की असली वजह बताई है। शिव ने इस दौरान ये साफ कर दिया है कि रोहित शो से गायब नहीं हुआ है, वो रोहित के रोल में जल्द ही सीरियल में वापसी करते हुए दिखेंगे। शिवम खजूरिया ने बात करते हुए बताया कि उन्होंने निर्माताओं को पहले ही ये बात बता दी थी कि उन्हें अपने कुछ पुराने कमिटमेंट के कारण जनवरी में एक ब्रेक की जरूरत होगी और इसे एडजस्ट करने के लिए ट्रैक पेश किया गया है। उन्होंने शो साइन करने से पहले जनवरी में निर्माताओं को अपने सारे पुराने कमिटमेंट के बारे में सूचित कर दिया था। शिवम ने आगे ये भी खुलासा किया कि रोहित अभी लापता है और पहले से ये डिसाइडेड था। एक्टर ने कहा कि मैं अपने सभी फैंस को बताना चाहता हूं कि मेरा किरदार जल्द ही शो में धमाकेदार और हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ वापसी करेगा। उन्होंने कहा कि वो अगले महीने ही शो में वापसी कर लेंगे। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि शो में रोहित की एंट्री का असर अभिरा और अरमान पर भी पड़ेगा, दोनों रोहित की वजह से करीब आ जाएंगे। हालांकि रोहित गायब होने से पहले रूही को तलाक देने का विचार कर चुका है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि वापस आकर क्या वो ऐसा ही करता है या कुछ और धमाका मेकर सीरियल में लेकर आएंगे। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।